दोस्तों, ये जो मीटर है उसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख रहे हैं, ये वाला जो डिजिट है वो कट रहा है, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है? क्योंकि ये कटा हुआ डिजिट है, इसलिए इसकी वजह से ये मीटर में आपको रीडिंग समझ में नहीं आएगा। वैसे तो ये कोई इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है, लेकिन अगर गांव में आप काम कर रहे हो और इमरजेंसी में अगर ऐसा कोई मीटर बिगड़ जाता है तो तत्काल में आप ऐसे रिपेयर करके काम चला सकते हो। वैसे मीटर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से मीटर को पूरा खोल के पूरी पीसीबी को आप बाहर निकाल के, जो पीछे बेल्ट आता है डिस्प्ले के पीछे एक बेल्ट होता है, ज़्यादातर वहीं पे प्रॉब्लम होता है, वो अच्छी तरह से कंपनी में सेट नहीं किया होता है, इसलिए ये डिस्प्ले कट रहा है। तो वो बेल्ट आपको वापस से अच्छी तरह रख देना है। तो पीसीबी के सभी स्क्रू खोल के आप पीसीबी को पूरा बाहर निकाल के इसको दोबारा सेट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मीटर की पूरी पीसीबी बाहर निकाल दी, और ये जो है वो डिस्प्ले वाला पार्ट है, और ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो बेल्ट है। देखो, ये छोटा सा बेल्ट है पिंक कलर का, ठीक है। उसको ये पीसीबी के साथ अच्छी तरह से अटैच करना पड़ता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से अटैच करके वापस से मीटर को फिट करके आपको दिखाऊंगा कि मीटर में जो डिजिट कट रहा था वो कैसे ठीक होता है। ऐसे आपको सब स्पेयर पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना नीचे गिर जाएगा, और इसका पूरा आपको वो फिटिंग करना वापस से आना चाहिए, वरना पूरा मीटर आप बिगाड़ दोगे। तो ये सब जहाँ पे था वैसे रख के आपको वापस फिट कर देना है। तो मैं ये वापस से जैसे थे वैसे फिट करके फटाफट से, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो थोड़ा काट रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रू बोल्ट लगा के फिट कर दिया है, आप देख रहे हैं बैटरी सब मैंने लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने कंटिन्यूटी पे इसको शॉर्ट किया तो डिजिट कंप्लीट दिखा रहा है, और ये देख सकते हैं आप, जो कट रहा था वो पूरा डिजिट आने लगा है। मतलब आप ऐसे इमरजेंसी में काम चला सकते हैं। वैसे तो कोई ये इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।